ओम जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान नारायण की अपार कृपा बनी रहे। इसी शुभ प्रार्थना के साथ आज एक बार फिर से चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस समय प्रारंभ हो चुका है वैशाख मास। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास का महीना भी भगवान को समर्पित है। भगवान नारायण की पूजा इस महीने में विधि विधान से करने से सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, जीवन में खुशी भी मिलती है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास में भगवान विष्णु, जिन्हें माधव मास के नाम से कहा जाता है, इसका बड़ा महत्व है। इस महीनों में शास्त्रों के अनुसार जरूरत व्यक्ति जो ज़रूरतमंद हो उसे खरबूजा, तरबूज, पंखा, जल आदि का दान करना बहुत ही शुभ होता है। अपने यहाँ पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, किसी ज़रूरतमंद को आप घड़ा दें जल भर करके, सार्वजनिक स्थान पर बगीचे में मिट्टी के घड़े भी वहाँ पानी भरकर रख सकते हैं। इस तरह से ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपको मिलेगी, जीवन में खुशहाली निश्चित ही आएगी। घर में, मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना। बैसाख के महीने में तुलसी की पत्तियों से भगवान नारायण की, विष्णु की पूजा करने से उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी माता की विशेष कृपा मिलती है। कार्य क्षेत्र में तरक्की, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। बैसाख मास में जितना भी अधिक जप तप हवन दान करेंगे, उतना ही आप मुश्किलों से आने वाले समय में बच पाएंगे। इस महीने में प्रातःकाल उठ कर के प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना अगर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। हर तरफ, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो अगर आप अपने घर में चाहते हैं सुख समृद्धि में वृद्धि हो, तो ये छोटे छोटे काम जरूर करें। मनुष्य जीवन ही दान धर्म के लिए प्राप्त हुआ है। बाकी और भी जितनी योनियां हैं वो सभी भोग योनियां हैं। उनमें व्यक्ति खा तो सकता है परंतु नए कार्य नहीं कर सकता, नया दान धर्म अगले जन्म के लिए नहीं कर सकता। तो आप सभी अपने जीवन को चाहते हैं कि मानव जीवन पूर्ण हो, उससे पहले आप ये जीवन सफल कर पाएँ तो अवश्य ही आप ये सभी शुभ कर्म करें।